हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैंने एक्चुअली पहले ही कैमरा ऑन कर दिया था, लेकिन वो कैमरे के ऊपर की कैप मैंने निकाली नहीं थी, तो अभी होता रहता है। मैं हूँ पहले ही है, तो आपके साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना है मुझे, लेकिन मैं वो मेरे सेकंड ब्लॉग में करूँगा, क्योंकि उस टाइम मैं आपको उनका चेहरा भी दिखा सकूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। पर साथ ही अभी एक घटना हुई, मुझे पुलिस ने पकड़ा था, मुझे फाइन बताया, सब कुछ बताया, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया मुझे। वो क्यों, कब, कौन थे वो, क्या क्या बोले, मैं सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ताकि आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देख सको, और मेरी नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, आपको समझ भी जाए कि आप क्या इंतजार कर रहे हैं। कम से कम मैं जाना मेरे घर को, आई होप कि कैमरे का सॉरी को जो माइक है उसका प्रॉब्लम खत्म हो चुका होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा था, नॉइज भी हो रहा था, तो मेरा आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रहा था। अभी देखते हैं, यहाँ पर मैं हमेशा रुकता हूँ चार्ज करने के लिए, जब भी पुणे से मेरे घर पर जिंदर जो मेरे घर है सबको एक्चुअली कहीं पता होगा, जो कि मेरे फैमिली फ्रेंड्स है या फिर अच्छे खासे फ्रेंड्स उनको मालूम है। तो मैं इधर से रुकता था, लेकिन यार बंद है, यार बंद है, तो आपको मैं आज ही रुकूंगा। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें इधर से उठो थोड़ा चाय वगैरह पी लूँ। आज का सेटअप लग रही बाइक, और ये आ रहा है कुछ पीछे से लुक, मैंने मेरा बैग बांध दिया इधर, पीछे से अच्छा खासा वाइड लगता है गाड़ी, अच्छा लग रहा है दिखने को। तो ये मॉडिफिकेशंस का मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने जाना के ऑर्डर किए हैं सब कुछ है उसमें। लुक तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं रुका था चाय पीने के लिए, लेकिन हाँ मुझे ये भी करना था, यहाँ पे नंबर प्लेट लगवाना था, क्योंकि मैंने नंबर प्लेट लगवाई नहीं है। तो वो हुआ क्या है कि जो जो नट है उसके उसको फिट करने के लिए जो नट बोल्ट लगते हैं पीछे, वो मिल नहीं रहे कहीं पे, तो कैसे प्रॉब्लम हो रहा है फिर। इधर देखते अगर रहा कोई शॉप तो, यहाँ पे शायद मिल जाएगा, कार डेकर का भी है, इनको पूछना पड़ेगा एक बार। अगर मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाना जाऊँगा मैं। देखते एक काम करता हूँ, आगे जाता हूँ मैं, आगे जाने पर अगर मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा यार। वो पीछे वो जो मिले थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे आगे 500 मीटर पे एक दुकान है, वहाँ पे मिल जाएगा करके। ये गाड़ी बहुत अच्छी है, स्पीड वगैरह पकड़ती है अच्छे तरह से, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है,
कि बार बार गियर डाउन करना पड़ता है क्योंकि इसका लो एंड टॉर्क इतना खास नहीं है। मतलब अगर हिमालयन वगैरह रहती तो फिर गियर डाउन करना ही नहीं पड़ता। मैं सेकंड या थर्ड गियर पे एकदम 10 से भी चल सकता हूँ या फिर आराम से क्रूज भी कर सकता हूँ उस पर ही, वही गियर पर। लेकिन इसमें कैसा मेरे को गियर डाउन करना पड़ रहा है बार बार। हाँ वैसे मेरे को आदत है, मेरे पास पहले FZ250 थी तो उसमें तो चल जाता था। तो अभी देखता हूँ कैसा होता है। वो बोले कि यहाँ पे एक शॉप है वहाँ पे मिल जाएगा करके। यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता मिलेगा। चलो वहाँ पे देखता हूँ। वो हार्डवेयर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स है आगे एक शॉप और खुला भी है तो पूछ लेता एक बार, रहेगा तो कैसे हमारा फिर काम हो जाएगा, कोई पकड़ने का टेंशन नहीं है। दादा याला फिट करायला आहे का वगैरे या नटच हे करायला? हां ते नट बोल्ट असतो ना। हां समोर बेटा बघा इथं बघा कुठं ते तिकडे। ठीक आहे ठीक आहे। तो इन्होंने बोला की वहां पे जाने के लिए मिलना तो चाहिए भाई जल्दी से। कैसा नंबर प्लेट लगवाए ना तो कोई टेंशन नहीं होगा। तो गाइस मैंने अभी नंबर प्लेट लगा ली है तो ऐसा कुछ लुक आ रहा है नंबर प्लेट के साथ में। तो ये सामने वाला लग गया और ये पीछे से लुक आ रहा है। ये वो कह रहा था कि जो यहाँ पे जो नीचे का जो फिटिंग का था वो मिल नहीं रहा था मेरे को, तब मेरे को मिल गया। तो अभी बैठते और निकलते एडवेंचर स्टाइल में। ये जा तो घर पे ही रहे। ये पूरे किट के साथ निकलने में मतलब कैसा पसीना पसीना आ जाता है पूरा। स्टार्ट डाउन और हम लोग निकलते हैं अपनी जर्नी पे। अभी कैसा नंबर प्लेट है तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं, कोई पकड़ने का चांस नहीं। तो वही एक बाकी था जिससे पकड़ सकते थे लोग, मतलब पुलिस। अभी तो कुछ है नहीं तो अभी अपन निकलते हैं। मस्त लग रहा है अभी जो अंदर का जो पूरा पसीना रहता है ना तैसा निकलने के टाइम पे बहुत मज़ा आता है। कहते ऐसे ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो ये रोड को अभी बाईपास भी है लेकिन वो खाली उधर से यहाँ पे आने के लिए, इधर से वो रोड पे जाने के लिए अभी खुला है कि नहीं कुछ मालूम नहीं। मैं लास्ट टाइम आया था तब तो नहीं खुला था, मतलब इधर के लोगों के लिए नहीं खुला था इधर से वहाँ जाने के लिए। अभी वैसे भी मुझे ये लगवाना था तो इधर ही आना पड़ रहा है। तो हाँ मैं ये बोल रहा था कि मैं पहले सोच रहा था कि मराठी में व्लॉग करते हैं, अपनी लैंग्वेज है बहुत इजीली मस्त हो जाएगा काम सब कुछ। लेकिन कैसा है फिर धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ेगी अपने चैनल पे तो जो अपने मराठी बांधव है तना तो मराठी करते करना हिंदी पण करते
पंजा तो ज़्यादा अभी अब देखो ऐसा स्विच हो जाता है फिर मैं मराठी में, अपने लैंग्वेज का ही रहता है, एक बार मराठी टच थोड़ा मिल जाए तो फिर मराठी में चालू हो जाता है फिर। तो जो बाहर के अगर कोई सब्सक्राइबर आए अपने को दूसरे स्टेट से या फिर ऐसा कुछ, अभी बढ़ेंगे तो ऐसा लगता है बढ़ेंगे, बी पॉजिटिव, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहता। फिर हिंदी में कहते सब लोग देखते हैं, इंग्लिश में भी देखते हैं, इतना अच्छा इंग्लिश आता नहीं अपने को। आई ट्राई माई बेस्ट स्पीक इन इंग्लिश, फिर ऐसा अटक जाते फिर आगे नहीं आता, तो आगे अपन हिंदी में या फिर मराठी में चालू हो जाते। जैसा गाड़ी नया है तो इसको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे अपन, आराम से चलते रहेंगे, व्यू भी अच्छा खासा आता है इससे। तो कल मैं ट्राई कर रहा था गाड़ी जब लेने गया था तब मैंने पूरा व्लॉग वगैरह शूट किया था, लेकिन वो कह रहा था कि ये जो माइक है गोप्रो का उस पर एक सेटिंग आती है कि आपको माइक कौन सा रखना है, स्टैंडर्ड रखना है, स्टैंडर्ड प्लस रखना है या फिर इनलाइन रखना है, तो अपने को क्या मालूम नहीं, अपन गवार आदमी पहली बार GoPro यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे को लगा था स्टैंडर्ड प्लस कर देते अपन एकदम प्लस वाली मजा आएगी, लेकिन उससे हुआ क्या, एकदम वो बारीक बारीक आवाज़ कैप्चर कर रहा था, पूरा हवा का आवाज़ एकदम फिर फुल घर 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 चालू था वो, तो मेरा तो आवाज़ घंटा कुछ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उसको वापस स्टैंडर्ड कर दिया, तो अभी जो मैंने चेक किया तो आवाज़ बहुत मस्त आ रहा है, एकदम सही आवाज़ आ रहा है। अभी घर पे तो बोला नहीं है मैंने, बोलना चाहिए था तो मैं आ रहा हूँ, तो कहता वो पूजा की थाली ऐसा मस्त सजा के रखते घर वाले, उसको पूजा किया नहीं ना अभी तक मैंने, बेटी के ऊपर नहीं जाना भाई, ये रोड बहुत डेंजर है। नहीं 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 एक्सीडेंट के लिए नहीं, इसका अलग ही मजा है। ये लोग क्या करते हैं ऐसा ना बीच में किधर तो जहाँ पे ऐसा स्किप रहेगा या फिर ऐसा जहाँ पे लोग ज़्यादा भगा सकते हैं बराबर वो टाइम पे, मतलब अपन क्या एक 5-10 सेकंड के लिए भगाते और बराबर वो टाइम पे ना ये लोग उधर ये गाड़ी लगाते, आर्टिका रहता है वाइट कलर का, उसके अंदर एक कैमरा रहता है बहुत बड़ा जो कैप्चर करता है हमारे एवरेज स्पीड, तो गवर्नमेंट ने वो लगाया है, तो एकदम कहता फटाक से 5 सेकंड के मजे के लिए हमको 2-3 हज़ार का फाइन लग जाता है फाइन, तो आई थिंक उसका प्राइस भी बढ़ा दिया इन लोग ने, 10 हज़ार का फाइन हो चुका है, तो भाई इतना खर्चा हो के फिर अभी वो 10 हज़ार देने को मन नहीं करेगा। मज़ा तो आ रहा है और ये मजा हम सबको देना चाहते हैं। गाड़ी चला रहे तो हेलमेट ग्लव्स सब पहन के रखना चाहिए, क्या पता कौन कहाँ से आ जाए। इसमें मैंने एक हैजार्ड सिस्टम भी लगाया है फ्लैशेस का, अभी तो दिन में तो कुछ उसका दिखा नहीं पाऊंगा मैं आपको ना, अभी घर पहुंचने के बाद रात में आपको एकदम मस्त डेमो देता हूं उसका, उसमें 60 पैटर्न्स है, हम लोग वो पैटर्न से भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, हम लोग नेक्स्ट टाइम जब चालू करेंगे तो फिर वो वही पैटर्न से चालू हो जाएगा। अभी आप लोग सोच रहेंगे कि ये बंदे ने तो आज ही चालू किया है मोटर व्लॉगिंग बोल रहा है फर्स्ट टाइम, ये लग तो नहीं रहा भाई इतना अच्छा कैसा कर रहा है, मतलब कर ही रहूँगा मैं, फिर भी आप मेरे को एक बार कमेंट में डाल देना कैसा है सब कुछ। वो क्या है जब मैं पहले आता था तो मेरे को मतलब पहले ये रोड से पुणे घर जाता रहता हूँ मैं बहुत बार, तो कैमरा नहीं था, खाली हेलमेट तो था मेरे पास अच्छा खासा, सब राइडिंग जैकेट सब था, तो मैं वो टाइम पे भी ना अगर कैमरा भी नहीं रहा अकेले रहता था मैं तो फुल ऐसा बड़बड़ करता था कि हाँ देखो मैं अभी आ गया वहाँ आ गया, जैसे आप लोग को बता रहा वैसे,
कहता था मैं पहले से प्रैक्टिस करता था, जब मेरे पास गोपर आएगा तब मैं चालू हो जाऊँगा डायरेक्ट। तो अभी मैं जैसे जा रहा था पहले भी वैसे ही जा रहा हूँ, वैसे ही बड़बड़ कर रहा हूँ, बस एक चीज़ का डिफरेंस कि रिकॉर्ड हो रहा है और आपको दिखेगा। अपन लेंगे लेफ्ट इसमें, ये रोड पे भाई मेरा FZ250 था, वो ही इतना अच्छा जाता था। ये देखो यहाँ भी पुलिस है, भाई गाड़ी इतना स्मूथ जाता है ना इस पे। मेरा FZ250 था वो एकदम आराम से 100 क्रॉस कर जाता था एकदम आराम से। ये तो देखो अभी ये तो 390, ये तो आराम से 140 चला जाएगा। लेकिन जैसा ये रास्ता भी अभी नया है, अब उधर दिख रहे कंस्ट्रक्शन चालू है पूरा, तो काम अभी पूरा नहीं हुआ, बीच बीच में ऐसा रेती पड़ा रहता है तो डिप होने के भी चांसेस है। इतने भगाएंगे नहीं अपन, एक बार का जो छोटा सा पैच मिल जाए तो उस पर आपको दिखाऊंगा मैं ये गाड़ी क्या कर सकती है। चलो कैसा सीन है, गाड़ी नया है तो मैं इतना इसको भगाऊंगा नहीं, लेकिन गाड़ी के इंजन का एक बार पता चलना चाहिए कि उसका पावर क्या है, तो ये आदत हो जाता है फिर गाड़ी को भी। जैसे मैंने आपको बताया ये 1000 किलोमीटर में मेरे को सब कुछ करना है, गाड़ी भगा के भी देखनी है, गाड़ी धीरे भी चला के देखनी है, गाड़ी को एवरेज भी दिखाना है कि भाई तू दे सकती है एवरेज। तो कैसा जिंदगी भर गाड़ी अब देखो उसी तरह से रिस्पॉन्स करती रहेगी। मैं अभी आ रहा हूँ नारायण गाँव, यहाँ से मेरा घर तकरीबन 16 किलोमीटर है। और ये नारायण गांव का गेट है जो कि बहुत अच्छा बना है, रात में बहुत अच्छा दिखता है जब इस पर लाइटिंग वगैरह लगाते हैं वो लोग। इधर यूजुअली ट्रैफिक रहता है बहुत सारे शॉप्स है आसपास, तो अभी हम उन लोगों को अंदर से नहीं आएंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो यहाँ के था यहाँ से फिर ये जो है गेट था बहुत अच्छा था। अभी हम लोग यहाँ से टर्न लेंगे और शॉर्टकट से हमारे जो अंदर के रास्ते पर लग जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए कॉर्नर पे, यहाँ से सीधे जाएंगे तो हम लोग नासिक ओझर वो साइड पे जा सकते हैं। ओझर का जो गणपति है अष्टविनायक का एक गणपति है, वहाँ पे जा सकते हैं। और मेरे घर से पास में भी एक गणपति है अष्टविनायक का जो कि है लेनियाद्री, वहाँ पे भी जाएंगे अपन पक्का। यहाँ पे आज यूजुअली इतना ट्रैफिक नहीं रहता, आज कैसे ट्रैफिक है क्या मालूम, ये ट्रक के वजह से पूरा ट्रैफिक हो चुका है और उसमें सब फोर व्हीलर को आगे जाने का है सबको। ये गाड़ी का एक अच्छी चीज़ है कि अभी कैसे अपन थर्ड गियर पे 4000 rpm में खींचेंगे ना, फटाक से जाती है गाड़ी, एकदम एकदम स्पीड पकड़ लेती है।
अभी मेरे को आप बोलो, आप देखो हम लोग 30 पे थे, 40 पे थे और कैसे एकदम डिटैक से 80 पे चले गए। बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, जो उन्होंने पावर दी है ना, बहुत अच्छी पावर दी है।